जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विजय शर्मा। आज मैं फिर से आपका YouTube चैनल विजयपथ डिफेंस एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं दोस्तों आपको और इन मित्रों को जो हमारे इंडियन आर्मी में जो सिलेक्ट हुए हैं, मिस्टर सुमित और मिस्टर साहिल, जो इस वक्त इनकी सिलेक्शंस हो चुकी हैं इंडियन आर्मी में दोस्तों। और आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ वो है जॉब्स अलर्ट्स का, और एक गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ दोस्तों आपके लिए। गुड न्यूज़ ये है कि आपके लिए जो है सोमवार से, यानी कि तारीख आपकी 12 तारीख से जो है हमारी टेस्ट सीरीज और ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज जो है वो शुरू हो रही है हमारी, वो ओनली ऑन विजयपथ डिफेंस एजुकेशन चैनल पे। तो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और जो कमियां आती हैं दोस्तों उनको आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में जो ज़रूर आप इसमें लिखें। थैंक यू। लो दोस्तों, आज मैं सबसे पहले आपके लिए जो हैं SSC MTS में जो हैं जॉब्स अलर्ट्स लेकर आया हूँ, SSC MTS रिक्रूटमेंट 2019 के लिए। इसमें 10,000 से ज़्यादा पोस्टें हैं दोस्तों, और इसमें जो है 100 रुपये का जो है जनरल कैटेगरी के लिए फ़ीस है एप्लीकेशन, और SC ST और वुमेंस के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसकी जो डेट्स हैं दोस्तों तो वो स्टार्ट हो चुकी हैं अप्लाई करने की। अंतिम तारीख जो है वो 29 मई है दोस्तों, शाम 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, और जल्दी से जल्दी अप्लाई करें दोस्तों। इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात किए तो दोस्तों सिर्फ 10वीं माह की है, यानी कि 10वीं मेट्रिकुलेशन तक पढ़ा हुआ व्यक्ति जो है वो इसको भर सकता है दोस्तों। और ये मल्टी टास्किंग स्टाफ होता है, जो नॉन टेक्निकल होता है उनके लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। और इसको भरने के लिए दोस्तों SSC की साइट पे जाकर हम भर सकते हैं, इसको फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी आप इसके लिए फिल करें दोस्तों। नेक्स्ट, दूसरी जॉब अलर्ट के लिए हमारा जो है वो JVT टैट निकल चुका है, जो एंट्रांस टेस्ट होता है, और ये गवर्नमेंट के लिए जो होता है, जो टीचर्स ट्रेनिंग के लिए दिया जाता है HP टैट, इसके लिए हमारा जो ऑनलाइन आवेदन है ये शुरू हुआ है। जनरल कैटेगरी के लिए जो है और सब कैटेगरी के लिए 800 फीस है, SC ST OBC के लिए जो है वो 500 रुपया फीस रहेगी। और स्टार्टिंग तारीख जो है अभी ही ये शुरू हुआ है दोस्तों भरने के लिए, मगर इसकी तारीख जो है बहुत कम दी गई है, 27 मई तक इसको लास्ट तारीख है इसकी जो भरने की है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी इसको फिलअप कर सकते हैं। इसमें दोस्तों जो पोस्ट नेम्स हैं, जो कैटेगरीज हैं, वो TGT आर्ट्स के लिए भर सकते हैं, TGT नॉन मेडिकल के लिए है, TGT आपका मेडिकल के लिए है, शास्त्री के लिए है, लैंग्वेज टीचर्स के लिए है टैट, जूनियर बेसिक ट्रेनिंग के लिए है, पंजाब लैंग्वेज टीचर के लिए है जो पंजाबी के लिए भर सकते हैं, उर्दू लैंग्वेज टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ये टैट जो है वो हिमाचल HP बोर्ड यानी कि स्कूल एजुकेशन लेता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा जो है जॉब अलर्ट्स में आ गया है दोस्तों ITBP कॉन्स्टेबल या GD ऑनलाइन, 496 पोस्टें, यानी कि 490 पोस्टों के लिए जो है वो ITBP में जो है रिक्रूटमेंट मांगी है। तो दोस्तों मैं जैसे आपको बता रहा था कि ITBP कॉन्स्टेबल के लिए तो इसकी 121 पोस्टें हैं, 121, और जो जनरल और OBC के लिए 100 फीस का इसमें चलान लगेगा, और फीमेल और SC ST के लिए कोई भी फीस नहीं है। सरकार ने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। और इसकी उम्र जो है वो 18 से 23 साल मांगी है, जिसकी अंतिम तिथि जो है वो 21 जून है दोस्तों, और इसकी जो भरने की तिथि है स्टार्ट जो होगा वो 22 तारीख से शुरू हुआ है। तो दोस्तों बहुत ही जल्दी से जल्दी आप इसको अप्लाई करवा सकते हैं, या आप फिल करने के लिए जो है आप हमारे पास जो है हमारे दिए गए नंबरों पर कॉल करके आप हमसे यहाँ पर आकर भी फिल कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट www.vijaypatheducation.com पर जाकर भी यहाँ से आप फिल कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जॉब आ जाती है दोस्तों आर्मी GD के लिए, वुमेंस के लिए। फर्स्ट टाइम दोस्तों जो है लेडीज़ के लिए, यानी कि वुमेंस फीमेल्स के लिए जो है मिलिट्री पुलिस वालों ने जो है जॉब निकाली है
फर्स्ट टाइम है जो इंडियन आर्मी में फर्स्ट टाइम जो वुमेन्स हैं वो मिलिट्री पुलिस में जाएंगी, तो इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। टोटल कुल वैकेंसीज जो हैं वो 100 हैं, जिसकी स्टार्टिंग जो अंतिम तारीख मैं कहूँ तो 8 जून है, जिसकी उम्र जो है वो 17.5 साल होनी चाहिए और 21 साल के बीच में होनी चाहिए। कैंडिडेट याद रखें दोस्तों, 1/10/1998 से 1/4/2002 तक ही जन्मे व्यक्ति जो हैं या छात्राएं हैं वही इसको फिल कर सकते हैं। और इसकी क्वालिफिकेशन जो है वो 10वीं यानी कि मैट्रिक मांगी गई है, 45 एग्रीगेट चाहिए, 33 मार्क्स ईच सब्जेक्ट में जो है एग्रीगेट होना ज़रूरी है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी आप इनको फिलअप करें फॉर्म्स को, और जॉब अलर्ट्स आपके सामने आते रहेंगे दोस्तों। और अगली जो जॉब अलर्ट्स में आ चुका है वो है BSF कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के लिए इसकी पोस्टें आई हुई हैं। तो BSF कांस्टेबल में 1072 पोस्टें हैं जो गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के होम अफेयर्स ने जो निकाली हुई हैं, और इसमें ग्रुप सी के लिए जो है टेम्परेरी बेसिस पे रख रहे हैं, और इसका जो जनरल और OBC के लिए एप्लीकेशन फ़ी है वो 100 रुपीज़ है, और SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। तो इसके लिए जो भरने की अंतिम तिथि है वो 12 जून है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी आप फिलअप कर सकते हैं। और इसमें आयु की अगर हम बात करें तो 18 से 25 साल तक की आयु है जो जनरल कैटेगरी के लिए है, OBC के लिए 18 से 28 है, SC ST के लिए 18 से 30 है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें 10वीं चाहिए या ITI जो बच्चों ने किया हो 10वीं के साथ, या +2 किया हो तो वो नॉन मेडिकल में होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में। तो क्योंकि इसमें जो पोस्टें हैं वो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की हैं, जो रेडियो ऑपरेटर की जो वैकेंसीज हैं वो 300 हैं और हेड कांस्टेबल की जो हैं वो 772 हैं। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी इसको फिल करें, क्योंकि इसकी जो अंतिम तिथि है वो 12 जून है। तो जल्दी से जल्दी फिल करें फ्रेंड्स। अगला जो जॉब अलर्ट है हमारा वो UPSC कैफ के लिए है, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, UPSC कैफ का जो ऑनलाइन आवेदन है वो निकल चुका है 323 पोस्टों के लिए, और 200 रुपया इसके लिए जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी है, जो जनरल कैटेगरी के लिए है, SC ST फीमेल के लिए निल है फ्रेंड्स, और इसमें 20 से 25 साल तक की उम्र चाहिए है दोस्तों, और कैंडिडेट के पास सिर्फ ग्रेजुएट डिग्री होना ज़रूरी है। और ये अलग अलग कैटेगरीज में निकाला गई है पोस्टें, BSF, CRPF, CISF, ITP और SSB के लिए। तो इसके लिए आप जो है जल्दी से जल्दी आवेदन कर लीजिए, क्योंकि इसकी लास्ट तारीख जो है वो 20 मई है फ्रेंड्स। तो ये हमारे इस हफ्ते के जो हैं वो जॉब अलर्ट्स थे। तो आप जो हैं हमारे साथ बने रहें इसी चैनल पे, आप नेक्स्ट और नई जॉब अलर्ट्स पाने के लिए। थैंक यू, जय हिंद।